हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की सब्जी। वैसे तो आलू की सब्जी बहुत तरीके से बनती है, पर आज मैं आपको बहुत ही जल्दी और फास्ट बनने वाली सब्जी बताती हूँ। इसके लिए मैंने ये आलू लिए हैं जिनको मैं छोटे छोटे काट लूँगी। ये मैंने एक प्याज लिया है, टमाटर लिया है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये मैंने हरी आल के प्याज लिए हैं कसूरी मेथी, ये मैंने हरी मिर्च और कुछ मसाले लिए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ आलू काट के। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आलू के 4 पीस करके फिर इनको मैं छोटे छोटे काट लूंगी। ये आलू हम छोटे काटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा 1 चम्मच, ये मैं डाल दूंगी इसमें हींग 1 पिंच, और ये जो मैंने प्याज लिए हैं ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ अभी, और इनको थोड़ा हम भून लेते हैं। जो टमाटर लिए हैं वो भी डाल देंगे हम इसी के साथ। हरी मिर्च लिए वो भी हम डाल देंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम डाल देंगे, और अब हम इनको थोड़ा सा भून लेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें ये आलू जो लिए हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इनको अच्छे से भून लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अभी मैं इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डालूंगी, और इसको बिना पानी डाले तो मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। ये मैंने नमक डाल दिया है, ये मैं 1 चम्मच हल्दी डाल दूंगी इसमें, और अभी इसको मैं फुल आँच पे कंटिन्यू चलाते हुए भून लूंगी ताकि ये नरम हो जाएंगे आलू प्याज। तब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और फिर मैं बंद कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको थोड़ा सा भून लिया है तो ये नरम हो गए हैं। अभी हम इसमें मसाला डाल देते हैं। तो ये मैं इसमें मसाला डाल दूँगी, मैं मिर्च डाल दूँगी इसमें। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, कम या ज़्यादा। ये मैं धनिया पाउडर डाल दूँगी इसमें 2 चम्मच, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा मसाला मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें डाल देते हैं छाछ। मैंने ये कटोरी छाछ ली है, आप दही भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें छाछ डाल रही हूँ। ना मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी, ना ही मैं इसमें अमचूर पाउडर, कुछ भी नहीं डालूंगी। सीधा सिंपल सब्जी बनाऊंगी। तो ये मैंने इसमें छाछ डाल दी है कटोरी, आप दही भी डाल सकते हैं या दही को फेंट के भी डाल सकते हैं। अभी मैं बचे हुए इसमें मैं पानी डाल दूंगी, ये मैंने पानी डाल दिया है, और इसमें अभी मैं डाल देती हूँ कसूरी मेथी। ये फ्रेंड्स, मैंने कसूरी मेथी को क्रश कर लिया है, अभी मैं ये डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसमें छाछ इसलिए डाली है, छाछ से आलू की सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखिए इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट है। अभी हम इसको ढक देते हैं। ये देखिए, इसको हम ढक देते हैं। ढक के इसको 10 या 15 मिनट के लिए हम इसको पका देंगे, और बाद में हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं, हम हमारी सब्जी को चेक करते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है एकदम से। ये देखिए कैसा कलर आया है, बहुत ही अच्छा। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने हरे आल के प्याज लिए थे, वो इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से, तो ये हमने प्याज हैं वो मिक्स कर दिए हैं। अभी हम गैस को कर देते हैं बंद, और ये हमारी सब्जी बनके हो गई है तैयार। और अभी जो हमने थोड़ी कसूरी मेथी छोड़ी थी वो हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से क्रश करेंगे पहले दोनों हाथों से, और इसको क्रश करके इसमें डाल के, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो आप भी ये सब्जी बनाइए और खाइए, और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।